हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अभी जो है गाइस, हम चौपादारू के पास है, जहाँ पर जो है बड़ा सा जो है, यहाँ देख सकते हैं पूरा चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल एरिया है। वहाँ का आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर 4 लाइन का वर्क हो रही है। 4 लाइन जो जना मोड़ से लेकर और मांझी तक जो बन रही है, उसी के बारे बताएंगे। और ये जो है झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे बन रही है और ये जो है फेज 1 का काम हो रहा है, ठीक है। सारा कुछ डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर किस प्रकार से पुल वगैरह बनाया गया है और किस प्रकार से यहाँ पर काम जोरों शोरों से चल रही है, सारा कुछ डिटेल में होगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, देख सकते हैं अभी जो है हम चौपादारू के पास है, जहाँ पर एक टावर है बड़ा सा। यहाँ पर जो है जंगल पूरा चारों तरफ है वहाँ पर है। यहाँ का आप लोग को व्यू दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है वर्क हुआ है। पूरा पुल वगैरह बना हुआ था, पहले ही बन चुका है, पूरा पुल रेडी हो गया है बन करके। बगल में पुराना वाला रोड देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा जो है पुल बनाया गया है। गाइज देख सकते हैं ऊपर में किस प्रकार से जो है यहाँ पर ढलाया गया है पूरा बारीकी से। देख सकते हैं पूरा जो है इसमें हॉल छोड़ा गया है, पूरा बारीकी से इसमें काम किया गया है गाइज। और बहुत ही बड़ा पुल है, आवाज़ ही पूरा गूंज रहा है। हेलो हेलो हेलो, देख सकते हैं आवाज़ किस प्रकार से गूंज रहा है गाइज। आवाज़ जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखिए इधर जो है जंगल पूरा एरिया है, और ये गाइस पूरा जंगल को किस प्रकार से देखिए एस्टेट में ले आ गया है। उधर पूरा जो है रोड का काम चल रहा है आगे तक, और इधर जो है कुछ काम हो भी गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए पहलवानीगिरी कर रहा है मेरा दोस्त इधर। भारी तो रहेगा ही, कितना किलो होगा? कम से कम 20-25 किलो होगा। उठा करके देखो तो कितना, 15 किलो होगा एगो, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा। देख सकते हैं कितना ऊंचाई तक इसमें जो है लगाया गया। और देख सकते हैं यहाँ पर इधर सर्विस रोड रहेगा इधर, और इधर देखते हैं जंगल पूरा इधर एरिया है। हाँ, यहाँ पर गए जंगल काफ़ी बड़ा एरिया में है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। और यहाँ पर देख सकते किस प्रकार से ब्रैकेटिंग का काम हुआ है यहाँ पर, और बगल में ये सर्विस रोड रहेगा। अब सर्विस रोड कितना ऊँचाई पर रहेगा वो तो मालूम नहीं अभी, क्योंकि जो अभी बहुत ही नीचे इसको बनाया गया है, पुल भी बनाया गया है। तो हमको लगता है ये सर्विस रोड जो है इसी का लेवल में रहेगा, थोड़ा मोड़ा जो है ऊंचाई पर बना सकते हैं इसको, ठीक है। और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर नज़ारा है, पूरा काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस देखने में। और बहुत ही घना जंगल है इधर, ठीक है। इधर जो है जानवर भी रहते हैं, काफ़ी ख़तरनाक वाले जानवर रात वगैरह में निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो है फ़िलहाल इस सब में जो है हाथी वगैरह निकला हुआ है, आया हुआ है। सारे हाथी लोग जो है इसी जंगल में रहते हैं, ठीक है। यहाँ के गाँव के लोगों के द्वारा पता चला हमको कि इधर जो है एक हाथी का झुंड आया हुआ है, यहाँ पर इस जंगल में जो है अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी भयानक वाला जंगल है, यानी घना वाला जंगल, ठीक है। हम लोग यहाँ का नज़ारा आप लोग दिखा रहे हैं किस प्रकार से है, देख सकते हैं आप लोग। नीचे ही इतना घना है, तो ऊपर में आप लोग सोच सकते हैं कितना भयानक घना होगा। और इसी के बीच यहाँ पर जोरों शोरों से वर्क हो रही है, ठीक है। इधर तो कुछ हद तक कार्य वगैरह हो गया है, और आगे साइड जो है गाइस पुल वगैरह बन रही है, ठीक है। उधर भी जोरों शोरों से काम वगैरह चल रही है। और देख सकते हैं इसका थंब जो है गाइस काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया गया है, मोटा मोटा बनाया गया है, देख सकते हैं काफ़ी मेहनत से इसको बनाया गया है। काफ़ी जो है इसमें वर्क किया गया है मेहनत वाला, और जो है इसमें मटेरियल वगैरह काफ़ी मजबूती से इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके, ठीक है। इसी प्रकार से हर जगह है, काफ़ी ऊँचा भी है पुल है, देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है पुल किस प्रकार से, देख सकते हैं। हॉल वगैरह छोड़ा गया, सारा कुछ जो है काफ़ी मेहनत से बनाया गया है गाइस, काफ़ी जो है टिकाऊ हो सके, बहुत ही लंबा समय तक चल सके, उसी प्रकार से जो है इंजीनियरिंग द्वारा जो है बनाया गया है। काफ़ी जो है गाइस अच्छा लगा देख करके, बहुत ही बड़ा पुल है, क्योंकि जो है गाइस इसमें 4 लाइन क्रॉस होगी, तो 2 लाइन इधर और 2 लाइन उधर रहेगा, तो और बीच में जगह भी रहेगा उसके लिए जो है काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया है। पूरा बारीकी से जिस प्रकार से पुल वगैरह बनते हैं, काफ़ी मेहनत का भी काम है गाइज, लगातार इसमें जो है वर्क वगैरह हो रही है। और देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा है इसमें जो है, जैसा पुल वगैरह बनते हैं उसी प्रकार से बनाया गया है। गैस वगैरह निकलने के लिए हॉल वगैरह भी छूटा गया, हमको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी देखने को मिल रहा है काफ़ी मेहनत का काम है, और काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और ये साइड हम लोग निकल गए हैं, जिस साइड जो है पुराना वाला रोड है, जैसे कि देख पा रहे हैं गाड़ी वगैरह चल रही है, और इधर आगे साइड जो है उधर वर्क वगैरह चल रही है, ठीक है। उधर जो है मिट्टी भरना है अभी पूरा, उसके बाद जो है ऊपर का काम होगा, इसमें ब्रैकेटिंग दिया जाएगा दोनों साइड जैसे कि इसमें दिया गया है, और बीच में मिट्टी वगैरह भर करके ऊंचाई तक किया जाएगा, क्योंकि इधर पुल बना हुआ है तो पुल उतना ऊंचा उधर भी रहने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगा देख करके। और ये देखिए यहाँ पर गड्ढा किया गया है, ताकि पानी जो है उधर बह करके आ रही है, तो वह पानी जो है
नीचे उधर निकल सके, क्योंकि गैस यहाँ पर जंगल इलाका है तो वहाँ पर पानी जो है जो रखते रहता है, तो पानी का भी ठिकाना लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को दिखा दिया किस प्रकार से यहाँ का नज़ारा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा देख करके, आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। देख सकते इधर वर्क वगैरह किस प्रकार से हो रही है, मिट्टी वगैरह गिराया गया है, उधर जो है ब्रैकेटिंग का काम चल रहा है। ठीक है, ब्रैकेटिंग बोले तो पुल टाइप में बनाया जा रहा है ताकि उधर से तेज पानी का बहाव आओ तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर एक्सप्रेस वे में इंटर ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद तो ब्रैकेटिंग रहेगा ही, अरे पुल के मदद तो पुल से ही पानी क्रॉस होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा इतना बड़ा पुल बनाया गया और जगह जगह पर भी पुल बनाया गया छोटा छोटा। ठीक है, और ये देखिए मेरा दोस्त आगे जा रहा है, और इस वीडियो को बस इतना ही तक दिखाना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में देखने को मिला चौपादारों के पास किस प्रकार से वर्क वगैरह हो रही है और किस प्रकार से जो है पुल वगैरह बना हुआ है, किस प्रकार से जो है घना जंगल है, सारा कुछ देखने को मिला, जो भी वहाँ का लोगों के द्वारा बताया गया कि हाथी भी काफ़ी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जंगल में ही जो है गाय घना जंगल में जो है हाथी का झुंड वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आप लोगों को जानने को मिला यहाँ का अपडेट। तो चलिए इस ब्लॉग में इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।